हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम गूगल मीट में अटेंडेंस ऑटोमेटिक कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे और टाइप करेंगे chrome.google.com। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक्सटेंशन और यहाँ पे हम सर्च करेंगे मीट अटेंडेंस कलेक्टर। जिस एक्सटेंशन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो एकदम फ्री एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन ये जो सबसे टॉप वाली है गूगल मीट अटेंडेंस कलेक्टर, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे ऐड टू क्रोम और आपका हो गया। अब आपकी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो गई है। अब हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए हम पहले मीट ओपन करेंगे। एड्रेस बार में टाइप कर सकते हैं meet.google.com और जैसे ही मीट ऑन होगा तो मेरा ये जो प्लगइन है या एक्सटेंशन है ये काम करना शुरू कर देगा। एक्सटेंशन को इजीली यूज़ करने के लिए हम इसको एड्रेस बार में पिन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एडॉन्स का निशान है वहाँ पे जाएंगे और इसके आगे जो थ्री डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे पिन। पिन करते ही हमारे एड्रेस बार में दिखना शुरू हो जाएगा सेम आइकन जैसा हमने इंस्टॉल करते टाइम पे देखा था। यहाँ पे दिखाएगा अलग अलग स्टेटस। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अभी एक मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टेटस देख सकते हैं कि अभी इस मीटिंग में सिर्फ एक ही पर्सन है और मैं खुद हूँ। तो अभी अगर मैं स्टेटस चेक करूँगा तो मुझे वहाँ पे एक ही अटेंडेंट दिखाई देगा। अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो इसका एक एक्सेल फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। इस एक्सटेंशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अटेंडेंस बार बार मार्क कर सकते हैं। जब भी आप अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो उसमें टाइम मेंशन रहेगा और जो भी अटेंडेंट हैं उनके नाम एक्सेल शीट में आ जाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अटेंडेंस किस टाइम पे लेनी है, सेशन के स्टार्ट में, मिड में या एंड में। अगर आप तीनों बार लेना चाहते हैं तो आपके पास तीनों की अवेलेबल होगी। तो आइए अब देखते हैं कि वो एक्सेल फाइल कैसी दिखती है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो फाइल में दिख रहा है मीटिंग का कोड, टाइम, प्रेजेंट मेंबर्स और मेंबर्स के नाम। यहाँ पे वो नाम दिखेंगे जो मीट के अटेंडी हैं, उनके जो स्क्रीन नेम है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, उनके ईमेल आईडीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। और लास्ट में, अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।